हाँ जी दोस्तों, तो हमने आज सोचा है कि चले आपको के इलेक्ट्रिक के नए कनेक्शन लेने का तरीका बताएं। देखें, सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ओनर जो मकान मालिक है उसकी NIC की कॉपी, दूसरा एक फॉर्म होता है जो आपको के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पे बहुत ही आसानी से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या किसी भी शॉप जैसे सिविक सेंटर वगैरह है यहाँ से ये फॉर्म आपको मिल सकता है। ये देखें इसमें क्या है, टाइप ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्ड है, आप न्यू कनेक्शन ले रहे हो, जिस तरीके का आप कनेक्शन ले रहे हो। तो जी देखें, मैं एडिशनल मीटर ले रहा हूँ, मेरे पास पहले से एक मीटर लगा हुआ है तो मुझे एक दूसरे फ्लोर के लिए एक नया मीटर चाहिए, तो मैंने एडिशनल मीटर पर क्लिक किया। और ये जी देखें, ये ओनर का नाम, ओनर का हस्बैंड, ओनर के शौहर का नाम या वालिद का नाम, फिर उसका NIC नंबर, ये तो बहुत ही आसान है, उसका मोबाइल नंबर, उसका जीमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, फिर उस मकान का एड्रेस जहाँ वो मीटर लगना है। अपने NIC का एड्रेस नहीं डालिएगा, हो सकता है जिसकी NIC हो उसके पास कोई एक्स्ट्रा घर भी हो तो वो अपने दूसरे घर में लगवा रहा हो, तो यहाँ पे वो एड्रेस आएगा जो जहाँ मीटर लगना है। और ये जो नंबर है एग्जिस्टिंग मीटर, मतलब अगर उसमें कोई मीटर लगा हुआ है पहले से है तो वहां पे उसका अकाउंट नंबर होगा, एक बिल में नंबर होता है 04000 करके, यहाँ पे वो नंबर आएगा और उसके नीचे जो आएगा करीबी मशहूर जगह, तो हमने देखे हैं वहां पे डाल दिया अटॉक पेट्रोल पंप। अच्छा जी आगे चलते हैं, देखिए आपको कौन सा मीटर रिक्वायर्ड है, आपको वो टिक करना है। रेजिडेंशियल यूनिट मीटर टाइप तो आप देख लीजिएगा, आपको सिंगल फेस चाहिए, थ्री फेस चाहिए, तो हमने सिंगल फेस चाहिए तो हमने सिंगल फेस पे क्लिक किया है, और यूनिट टाइप किया तो हमने यूनिट टाइप पे रेजिडेंशियल पे क्लिक किया है। अच्छा जी आगे चलते हैं, देखिए आपका प्लॉट जो आपका मकान है वो कितने गज का है, तो हमारा जो मकान था वो था 40 गज का, तो इसमें 40 गज का ऑप्शन नहीं था, तो आगे एक दिया हुआ है अदर, तो हमने 40 गज इसमें हाथ से लिख दिया। अच्छा जी आगे चलते हैं, ये लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो प्लीज इसको आप कुछ भी नहीं करिएगा, एक ये फॉर्म हो गया। और दूसरा फिर दो विटनेस की, पड़ोसियों की NIC की कॉपी चाहिए, हम इसको सिक्योरिटी की वजह से NIC को पूरा नहीं दिखाते हैं। तो आप देखें इसमें आपको एक जिस जहां मीटर लग रहा है वहां बराबर बराबर, भले एक दो घर छोड़ के भी आपको NIC मिल जाए तो वो भी चल जाएंगे, दो NIC की कॉपी विटनेस की कि ये मकान आपका ही है। अच्छा जी आगे चलते हैं, ये है स्टैम्प पेपर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, एक ये एफिडेविट का न्यू कनेक्शन का स्टैम्प पेपर, ये आप चूंकि स्टैम्प पेपर है ये आप घर में खुद नहीं बना सकोगे, ये आपको किसी दुकानदार से ही बनवाना पड़ेगा, क्योंकि ये नोटरी पब्लिक से अटेस्ट भी होता है, तो ये तो आपको लाजमन 200-250 रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे, यहाँ पैसे आपके बिलाल भाई नहीं बचा सकेंगे। और ये इतनी इंग्लिश लिखी है ये प्लीज ये किसी काम की नहीं, ना आपने पढ़नी है ना के इलेक्ट्रिक वालों ने पढ़नी है, ये हमें भी नहीं पता इसके अंदर क्या क्या इन्होंने लिख दिया, लेकिन चूंकि बस हम इसको एक फॉर्मेट है तो हम इसकी ऐसी लेके अटेस्ट करके वो अटेस्ट करके देगा आपको 200-250 रुपए दुकानदार। अच्छा जी ये देखें, ये मकान के जो हम सेल एग्रीमेंट करते हैं जब भी घर खरीदते हैं तो उसका एग्रीमेंट है तो ठीक है, नहीं है तो एग्रीमेंट के बिना भी ये चल सकता है। अच्छा एक जरूरी इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा वो है मकान के KDA का पेपर जो आपके पास होगा, इसको भी हम सिक्योरिटी रीजन की वजह से पूरा नहीं दिखा रहे, लेकिन आपके पास ये पेपर होगा, नहीं तो कोई अलॉटमेंट की कॉपी भी आप लगा सकते हैं। ये आप सारे डॉक्यूमेंट जब आप जमा कर लोगे, आपकी पूरी फाइल रेडी हो जाएगी, तो फिर आप इसको अपने के इलेक्ट्रिक करंगी IBC या लांडी IBC या जौहर IBC या आरामबाग IBC में जमा करा देंगे। और इसका आसान तरीका है, आप जब वहां जाओगे वहां तो बहुत होगी लंबी लाइन, तो फिर आपने पकड़नी है कोई सेटिंग, कोई ड्राइवर, कोई के इलेक्ट्रिक वाला जो आपके आजू बाजू घूम रहा हो, जो गाड़ी में कुंडे मार रहा हो या जो गाड़ी ठीक कर रहा हो, उसको आप पकड़ना, उसको आपकी फाइल पकड़ाना। और मेरी एक बात याद रखिएगा, इस मुल्क में सबसे ज्यादा ईमानदारी का काम पैसों से ही होता है, आप उस ड्राइवर को पकड़ेगा या उस लाइनमैन को पकड़ेगा, उसके हाथ में आपके 1500-3000 रुपए दिएगा, वो आपका ये टोकन बआसानी सुकून से आपको जमा करा देगा फॉर्म, और आपका के इलेक्ट्रिक का मीटर आसानी से 10-15 दिन में लग जाएगा। और अगर आप इसको नॉर्मली लेंगे, आप खुद ही जाएंगे, तो आपको मिलेगी वहां पे 50-60 बंदों की लाइन, जो आपका दिन भी खराब होगा और जो आपका टाइम भी खराब होगा, और फिर भी आपका काम नहीं होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।